अद्भुत नज़ारा है। ये धान रोपी हुआ है, जो हम लोग के धान बैठाने कहते हैं। धान की रोपाई शुरू हो गई जून में ही हुआ है, 16 जून को स्टार्ट हो गया धान की रोपाई, अभी इधर सारा होने वाला है। इधर ये बाजड़े का खेत है, जो बाजड़ा लगा है गायों को खिलाने के लिए। अरबी का पत्ता, यहाँ हर खेतों में अरबी का पत्ता मिल जाएगा। ये अपने आप उगते हैं, यहाँ लगाए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं, जब मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ, अपने आप जब भी पानी मिलता है, ये पानियों में होता है, खेतों में हमेशा पानी चलता है, इसकी वजह से अरबी का पत्ता अपने आप हो जाता है। उधर धान की जो होता है निकाल निकाल लगाते हैं, वो लगा है, रोपनी करने के लिए आते हैं सब लोग, निकालते हैं, निकाल के लाला के सारे खेतों में डालते हैं। पानी की वजह से नहीं अभी हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, ट्यूबवेल चलता है, ट्यूबवेल से कितना पानी हो पाएगा। दो खेतों में बैठा है अभी, और खेतों में धान बैठाना है, जहाँ तक ले दिख रहा है पूरे खेतों में धान बैठाना है। पानी की कमी हो रही है, भगवान भी उतनी बारिश नहीं कर रहे हैं, बारिश हो ही नहीं रही है, कर कह रहे हैं बारिश होगी तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर ट्यूबवेल कितना चलेगा। लाइट भी अच्छी नहीं रहती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लाइटों की। ये हमारी श्यामा तुलसी, इधर रामा तुलसी, और छोटे छोटे तुलसी जी के पौधे निकले हैं, बहुत ही पौधे निकल जाते हैं मझरी से, बहुत सारे पौधे तुलसी जी के निकल जाते हैं। और तुलसी जी का ही नहीं, कोई भी पौधे भी निकल जा रहे हैं गांव में ऑटोमेटिक। अपने हम लोग शहरों में गमलों में लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं, इधर उधर लगाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए एक कड़ी पत्ते से हज़ारों कड़ी पत्ते हो जाते हैं, फेंकना पड़ता है निकाल निकाल के। इधर एक नींबू का प्लांट है, जो इतना हैवी है, इसमें इतने सारे नींबू हैं जो गिरे हुए हैं, ज़मीन पे भी बहुत सारे गिरे हैं, मैं उठा उठा कर रखी हूँ, और लगे भी हुए हैं। ये ठंडियों में इसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन गर्मियों में भी छोटी है, बारिश पाई होती बारिश का पानी तो ये भी बड़ा हुआ था, लेकिन गर्मियों में भी छोटा है। इधर जो गिरा था मैं उठा उठा कर रख ली हूँ। इसके भी पौधे देखिए, जहाँ जहाँ नींबू गिरते हैं इसके प्लांट निकल जाते हैं, उधर एक ब्रांचेस है, और इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हैं। ये ठंडियों में जब होगा नवंबर दिसंबर में, बहुत हैवी नींबू होता है, एक एक नींबू काफ़ी इतने बड़े बड़े होते हैं, जो हाथ में नहीं आते हैं। ये ओल, जिसे हम लोग सुरन भी कहते हैं, खाते हैं दीपावली में, बहुत शुभ माना जाता है खाना सुरन, उसका पौधा है। इधर भी एक नींबू का पौधा निकला ही है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर, गाँव का माहौल कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमें तो बहुत प्यारा लगता है गाँव का माहौल। इधर मेरी गाय के बछड़ा जो बैठी है, बछिया है,